खरगोन जिले के बढ़वा में खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान के पक्ष में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता नीच है, यह असंवेदनशील लोगों की पार्टी है। उन्होंने किसानों को खूब छला है, चाहे कर्ज माफी हो, भावांतर हो, कन्यादान योजना हो, आवास योजना हो या अन्य कोई भी भाजपा द्वारा चलाई गई योजना हो। सत्ता में आते ही इन्होंने योजना के स्वरूप को विकृत किया है। केवल सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लेकर प्रपंच फैलाए। बिजली बिल माफ़ी, फसल भुगतान और बेटियों के विवाह के समय आपको मामा की याद तो आई होगी। इस वर्ष ही अक्षय तृतीया कैसी मनी, जब मामा के बिना कन्यादान हुआ। भाइयों और बहनों, अब आपको देश का भविष्य तय करना है, अब ऐसी गलती मत करना। बढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। ओके, मैं आज कह रहा हूं, अगर किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, हर गांव में लड़ाई लड़ूंगा। मूर्ख बनाते हैं। अब हम कहते हैं क्या हुआ, तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो कहते भूल गए, सब कुछ याद नहीं। अब कुछ हम कह रहे नहीं हुआ, वो कह रहे हुआ सो हुआ। कर्जा माफ में भी यही कह रहे हो गया हो गया हो गया। पता नहीं कहां से कागज निकाल लिया है कि शिवराज सिंह के भाई का कर दिया, भाई का कर दिया, भाई का कर दिया। सुना कि नहीं आप? और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा भैया मैं तो इनकम टैक्स देता हूं, मैंने सपने में कभी कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरा कहां से कर दिया। बोल से बड़ा झूठ बोल रहा है, भाई का कर दिया। ये ठग है, ठग, इनने ठगी की है। पहली ठगी नंबर एक, इनने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इनने आदेश निकाला कि हम केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ करेंगे। अब इन्हें तीन चौथाई तो पहले ही धक्का देकर बाहर कर दिए। अब जो फसली ऋण है उसमें 48,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना है। देखो कर्जा कब माफ होगा, किसान जिनने जिन बैंकों से कर्जा लिया उस बैंक को सरकार अपने खजाने से भर दे तो कर्जा माफ हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बिना पैसा बैंकों को दिए कर्जा माफ होगा क्या? अब 48,000 करोड़ फसली ऋण के लिए चाहिए, ये बाकी चीजों का तो अलग छोड़ दो। और इनने दिया केवल 1300 करोड़। अब पैसा न देला, काट कूट का मेला।